हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल के सेशन के लिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर बेरिश आरामी पैटर्न बना है और जैसे इसका लो टूटेगा 720 का, उसके नीचे एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। थर्सडे का अगर आप सेशन देखो तो इसने लो बनाया 14,760 के आसपास और उसके बाद एक रिकवरी हमें देखने को मिली है। काफी वाइल्ड मोमेंट हुआ था सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में मेरा व्यू बेरिश था, जब इसने 14,800 का लेवल तोड़ा तब मैंने कुछ बेरिश हेजिंग ऑप्शन स्ट्रेटजीज लिया था। मैं ज्यादातर ऑप्शन स्ट्रेटजीज में ही ट्रेड करता हूँ, मैं फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करता। तो मैंने एक बेरिश ऑप्शन स्ट्रेटजी लिया था, 14,500 का पुट मैंने बाय किया था मंथली एक्सपायरी का और कुछ मैंने आउट ऑफ द मनी पुट सेल किए थे हेजिंग के हिसाब से। ये वाला पुट मैंने बाय किया था 14,800 का और इसमें एक मिस्टेक क्या हुआ, इसमें मैंने जो स्टॉप लॉस रखा था वो स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं हुआ। क्यों नहीं ट्रिगर हुआ मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने ऑर्डर रखा था, ट्रिगर प्राइस मैंने रखा था 184.90, प्राइस रखा था मैंने 184 और 600 क्वांटिटी था मेरा। निफ्टी में अगर आप देखो ये जो 1 बजे का कैंडल है इसमें एक बहुत फास्ट मूवमेंट आया था, बहुत बड़ा मूवमेंट आया था 60-70 पॉइंट का। एक ही कैंडल में बड़ा मूवमेंट आया, फास्ट मूवमेंट आया, तो उसके कारण मेरा जो स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर नहीं हुआ। स्टॉप लॉस जो है वो पेंडिंग ऑर्डर में चला गया और पुट का प्राइसेस कम हो गया और ये पुट मैंने स्क्वायर ऑफ किया 163 में। सो मुझे ऑलमोस्ट 20 से 22 रुपये का स्लिपेज लग गया और 600 क्वांटिटी था, इसलिए मेरा 14 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लॉस हो गया, स्लिपेज लॉस हो गया। अब इसमें मेरा मिस्टेक क्या हुआ, ये जो ट्रिगर प्राइस और प्राइस के बीच में जो गैप है ये मैंने सिर्फ 90 पैसा रखा था। अगर मैं इस गैप को 183 या 182 रखता तो गैप थोड़ा ज़्यादा होता, तो अगर फास्ट मूवमेंट भी आता है तो भी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता। एक और मिस्टेक ये हुआ कि मैंने नॉर्मल स्टॉप लॉस ऑर्डर रखा था, मैंने SLM ऑर्डर नहीं रखा था, मतलब स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होता है सो मार्केट प्राइस के हिसाब से पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, वो SLM ऑर्डर मैंने नहीं रखा था, ये एक मिस्टेक हुआ। इसके कारण मुझे 14-15 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा लॉस हो गया और मैंने टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया कि टोटल 22,000 का लॉस था एक्सपायरी डे के दिन। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या लेवल्स पॉसिबल है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, ये इसने बेरिश आरामी बनाया था, ये रेड कैंडल का लो इसने तोड़ा ही नहीं, तो ये जो बेरिश आरामी पैटर्न है ये निगलेक्ट हो चुका है। अब ये पैटर्न जो है वो वैलिड नहीं रहा। अब अगर आप देखो यहाँ पर ये इसने ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया जो कि पॉजिटिव क्लोजिंग है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो लेवल है 15,000, 15,000 का साइकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट लेवल है। 15,000 के ऊपर अगर जाता है निफ्टी तो आपका व्यू सिर्फ और सिर्फ बुलिश ही होना चाहिए, बेरिश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई भी इंट्राडे डिप भी मिलता है तो भी उसमें बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना और हायर चांसेस है 15,400 15,500 के आसपास जो 52-week हाई है वो वापस रीटेस्ट हो सकता है और उसे क्रॉस भी कर सकता है। सो आपका व्यू बुलिश होना चाहिए, साइकोलॉजिकल लेवल 15,000 के ऊपर आपका व्यू सिर्फ और सिर्फ बुलिश ही होना चाहिए। और अगर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी का नॉलेज है तो आप एक बुलिश स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो अप्रैल मंथली एक्सपायरी ऑप्शंस में। सो 15,000 के ऊपर क्लीन एंड क्लियर व्यू बुलिश हो जाएगा निफ्टी में। साइकोलॉजिकल लेवल जो है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस होता है तो हमें एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है और 15,400 15,500 तक के टारगेट के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसका आप वीकली चार्ट देखो तो वीकली चार्ट आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये एक बड़ा ग्रीन कैंडल था, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है, ये ग्रीन कैंडल का लो अभी तक टूटा नहीं है और यहाँ पर वापस एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। हायर चांसेस है ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है और 15,600 15,700 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। सो व्यू जो है वो बुलिश होना चाहिए 15,000 के लेवल के ऊपर। 15,000 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो आप शॉर्ट बिल्कुल भी मत करना, बायो टिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी और आपका व्यू होना चाहिए बुलिश। बैंक निफ्टी का भी अगर आप स्ट्रक्चर देखो ऑलमोस्ट सेम है, ग्रीन कैंडल का लो अभी तक तोड़ा नहीं है, 31,000 के आसपास लो था, इसने भी प्रॉपर रिट्रेसमेंट किया है और अब वापस ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। 34,500 ये लेवल ध्यान रखना, पिछले कुछ वीडियोज में भी मैंने बताया है 34,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगा और 36,000 37,000 ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी बुलिश ऑप्शन स्ट्रेटजी भी प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में 34,500 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, निफ्टी में 15,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। ये दोनों लेवल जैसे ही क्रॉस होता है आपका व्यू बुलिश होना चाहिए और ये दोनों लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो डेफिनेटली एक बड़े टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं और एक एग्रेसिव बुलिश ऑप्शन स्ट्रेटजी भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। और अगर कुछ भी लेवल्स में चेंजेस होगा तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और मंडे से 5 अप्रैल से ऑप्शंस बाइंग सीक्रेट कोर्स फ्री हिंदी लैंग्वेज में स्टार्ट हो रहा है। फ्री कोर्स है, फ्री बैच है, आपको सिर्फ पुअर फैमिलीज को फूड डोनेट करना है, खाना डोनेट करना है अपने लोकल एरिया में।
किसी भी वेबसाइट पे जाकर आपको डोनेशन नहीं करना है, आपको अपने लोकल एरिया में डोनेशन करना है और हम लोग ही आपको कोर्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। सो टेलीग्राम चैनल में मैंने वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, आप ये लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना सीट रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आपको ऑप्शन स्ट्रेटजीज नहीं आता है, डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस नहीं आता है, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो अगर किसी को ऑप्शन स्ट्रेटजी सीखना है, डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस सीखना है, लाइव मार्केट ओपन इंटरेस्ट डेटा स्टॉक स्कैनर अगर आपको सीखना है, तो आप ये हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको ओपन इंटरेस्ट भी सीखने मिलेगा प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजीज भी सीखने मिलेगा। और अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।